हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी फंक्शंस के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस के बारे में। हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात करी थी एक्चुअल पैरामीटर्स और फॉर्मल पैरामीटर्स के बारे में। एक्चुअल पैरामीटर्स क्या होते हैं? द पैरामीटर्स विच आर पास्ड टू द फंक्शन, ओके। और फॉर्मल पैरामीटर्स, पैरामीटर्स विच आर रिसीव्ड बाय द फंक्शन, ओके। Now, what is call by value in C? In call by value method, the value of the actual parameters is copied into the formal parameters. Call by value में क्या होता है, जो हमारे actual parameters की value होती है वो copy होती है हमारे formal parameters में, okay? हम लोग और क्या कह सकते हैं कि value of the variable is used in the function call in the call by value method. जो वेरिएबल की वैल्यू होती है वही यूज होती है हमारे फंक्शन कॉल में, कॉल बाय वैल्यू मेथड, ठीक है। इन कॉल बाय वैल्यू मेथड वी कैन नॉट मॉडिफाई द वैल्यू ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर बाय द फॉर्मल पैरामीटर। कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है कि हमारी जो वैल्यू होती है वो चेंज नहीं हो सकती, ओके। एक्चुअल पैरामीटर, वैल्यू ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर जो होती है चेंज नहीं हो सकती बाय द फॉर्मल पैरामीटर, ओके। In call by value, different memories allocated for actual and formal parameters. Since the value of actual parameter is copied into the formal parameter. Call by value में क्या होता है? Actual parameter की value हमारी copy हो जाती है हमारे formal parameter में, okay? तो जो actual parameter और formal parameter की memory location होती है वो different होती है, okay? तो यहाँ पर क्या होता है? हमारी जो values होती है actual और formal की वो different होती है, okay? तो अगर आप लोग चेंज करोगे वैल्यू फॉर्मल पैरामीटर में तो वो एक्चुअल पैरामीटर में हमारी इफेक्ट नहीं होगी। द एक्चुअल पैरामीटर इज द आर्ग्यूमेंट विच इज यूज्ड इन द फंक्शन कॉल, वेयर एज द फॉर्मल पैरामीटर इज द आर्ग्यूमेंट विच इज यूज्ड इन फंक्शन डेफिनेशन, ओके। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने मेन में डिक्लेयर करा इंट x इक्वल टू 10 एंड y इक्वल टू 20, ओके। देन फंक्शन कॉल हुई फन एक्स कॉमा वाई। हम लोग अब फंक्शन के डेफिनेशन में जाते हैं, ठीक है। इंट फन, इंट x, इंट y। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा कि x की वैल्यू को तो कर दिया 20 और y की वैल्यू को कर दिया 10, मतलब ये वाली जो वैल्यूज थी उनमें चेंज लाया है हम लोग, है ना। तो अब क्या होगा, हमारे पहले x की वैल्यू कितनी थी 10 और y की 20, ठीक है। हमने यहाँ चेंज करा तो यहाँ x की वैल्यू कितनी हो गई 20 और y की कितनी हो गई 10। लेकिन यहाँ पे जब हमारा आउटपुट आएगा तो हमारी वैल्यू क्या प्रिंट होगी, x इज इक्वल टू 10 और y इज इक्वल टू 20। क्यों? बिकॉज डिफरेंट मेमोरी यूज होती है हमारे एक्चुअल पैरामीटर और हमारे फॉर्मल पैरामीटर्स में। एक प्रोग्राम से और अच्छे से समझते हैं। हैश इंक्लूड stdio.h void change। यहाँ पर हमने एक फंक्शन डिफाइन करा void change int num, ओके। सबसे पहले तो हम लोग जाएंगे मेन फंक्शन में, ठीक है। यहाँ पे क्या है, int x equal to 100, x को कितनी वैल्यू दे रखी है हम लोगों ने 100। प्रिंट एफ बिफोर फंक्शन कॉल, x की कितनी वैल्यू होगी हमारी 100, ओके। बिफोर फंक्शन कॉल x की कितनी वैल्यू है 100, तो यहाँ क्या प्रिंट होगा, बिफोर फंक्शन कॉल x इक्वल टू 100। उसके बाद क्या हुआ, वी आर पासिंग नाउ आर वैल्यू टू फंक्शन डेफिनेशन, ओके। यहाँ फंक्शन कॉल से अब कहाँ जाएंगे हम लोग, फंक्शन की डेफिनेशन में। प्रिंट एफ बिफोर एडिंग वैल्यू इन साइड फंक्शन नम, ओके। अब सबसे पहले हमारी नम की वैल्यू क्या थी 100, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा, बिफोर एडिंग वैल्यू इन साइड फंक्शन नम इक्वल टू 100। अब मैंने क्या करा, नम इक्वल टू नम प्लस 100, नम की वैल्यू चेंज करके क्या कर दी, नम प्लस 100। तो नम की पहले वैल्यू कितनी थी 100, 100 प्लस 100 200, ठीक है। आफ्टर एडिंग वैल्यू इन साइड फंक्शन नम इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 200, 200 हो गया। अब हम लोग कहाँ जाएंगे, वापस यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है, ये फंक्शन कॉल के बाद है, क्या प्रिंट हो रहा है, आफ्टर फंक्शन कॉल x इक्वल टू। अब मैंने क्या बोला था कि इन दोनों की वैल्यू हमारी से कॉपी होती है, यहाँ से वैल्यू हमारी यहाँ पे, ठीक है। तो हमारी जो यहाँ पे वैल्यू में चेंजेस होंगे वो यहाँ हमारे रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या प्रिंट होगा, आफ्टर फंक्शन कॉल x की वैल्यू कितनी रहेगी हमारी 100।
Now, what is call by reference? Call by reference, call by value से अलग होते हैं, okay? Call by reference में क्या होता है? The address of the variable is passed into the function call as actual parameter. जो variable का address होता है, okay? वो पास होता है फंक्शन कॉल में एज एन एक्चुअल पैरामीटर. तो इसमें एक्चुअल में होता क्या है कि हमारा जो एड्रेस ऑफ द वेरिएबल होता है वो पास होता है. ओके, द वैल्यू ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर्स कैन बी मॉडिफाइड बाय चेंजिंग द फॉर्मल पैरामीटर्स सिंस द एड्रेस ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर इज पास्ड. अब यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे एक्चुअल पैरामीटर्स होते हैं उसमें चेंज हो सकता है. कैसे? क्योंकि हम लोग यहाँ पे वैल्यू नहीं रेफर कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे रेफर कर रहे हैं हमारे एड्रेस को. ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो चेंज हम लोग वहाँ एड्रेस में करते हैं वही चेंज फिर वो उसमें परमानेंटली हो जाता है. ठीक है, तो उससे क्या होता है कि हम लोग वैल्यूज जो होती है ओरिजिनल उसको मॉडिफाई कर सकते हैं. इन कॉल बाय रेफरेंस द मेमोरी एलोकेशन इज सिमिलर फॉर बोथ फॉर्मल पैरामीटर्स एंड एक्चुअल पैरामीटर्स. कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है, मेमोरी एलोकेशन सेम होती है फॉर्मल पैरामीटर्स और एक्चुअल पैरामीटर्स में. ऑल दी ऑपरेशंस इन दी फंक्शंस आर परफॉर्म्ड ऑन दी वैल्यू स्टोर्ड एट दी एड्रेस ऑफ दी एक्चुअल पैरामीटर्स एंड दी मॉडिफाइड वैल्यू गेट स्टोर्ड एट दी सेम एड्रेस. जो भी हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं हमारे फंक्शन में, ठीक है, किस पे परफॉर्म होता है, जो वैल्यू हमारे एड्रेस पे स्टोर्ड होती है. ओके, और हम लोग क्या करते हैं, चेंज उसी वैल्यू में करते हैं. ठीक है, तो जो हमारी मॉडिफाइड वैल्यू होती है वो कहाँ जाके स्टोर होती है, उसी सेम एड्रेस पे. तो हमारी जो ओरिजिनल वैल्यू होती है वो मॉडिफाई हो सकती है. एम्परसेंट ऑपरेटर इज यूज टू गेट द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल. एम्परसेंट ऑपरेटर किस लिए यूज होता है, इट इज यूज टू गेट द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल. एंड डी रेफरेंस ऑपरेटर दिस मस्ट बी यूज टू एक्सेस वैल्यू स्टोर्ड इन दैट एड्रेस. ओके, अब इसको देखते हैं. यहाँ पर x इक्वल टू 10 है, y इक्वल टू 20 है. ओके, फन एम्परसेंट x एंड एम्परसेंट y. ओके, एड्रेस. अब यहाँ पे देखो, int fun ब्रैकेट में int asterisk ptr1 int asterisk ptr2. ओके, यहाँ पे हम लोगों ने क्या यूज करा है, हम लोगों ने यहाँ यूज करा है पॉइंटर. पॉइंटर के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, पर अभी के लिए हम जान लेते हैं कि पॉइंटर क्या होता है. पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल होता है जो एड्रेस स्टोर करता है ऑफ सम अदर वेरिएबल. ओके, अ पॉइंटर इज अ वेरिएबल विच कैन स्टोर एड्रेस ऑफ सम अदर वेरिएबल. ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा int asterisk ptr1 है वो किसका एड्रेस स्टोर कर रहा है, x का. ओके, और जो int asterisk ptr2 है वो किसका एड्रेस स्टोर कर रहा है, y का. क्लियर? नाउ यहाँ asterisk ptr1 equal to 20 करें. सबसे पहले तो यहाँ x और y की ओरिजिनल वैल्यूज कितनी थी, 10 और 20. ठीक है, अब asterisk ptr1 equal to 20 करें. इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि हम लोग यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं वैल्यू उस पर्टिकुलर एड्रेस पे. ओके, हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, वी आर ट्राइंग टू एक्सेस द कंटेंट जो उस एड्रेस पर है. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एड्रेस कितना है, x में अगर फॉर एग्जाम्पल एड्रेस दे रखा है 1000 और y में अगर दे रखा है 2000. ठीक है, तो asterisk ptr1 equal to 20 में क्या होगा, हम लोग कहाँ जाएंगे, जो उसका एड्रेस होगा जो है 1000. ओके, उसमें वैल्यू ओरिजिनल कितनी थी हमारी, 10, उसको हमने चेंज करके कितना कर दिया, 20. सेम asterisk ptr2 में वैल्यू कितनी दे रखी थी हमारी ओरिजिनल, 2000 एड्रेस पे 20 वैल्यू थी. ओके, वाई की जो वैल्यू थी वो 20 थी. हमने क्या करा, एड्रेस पे जाके मॉडिफाई करके उसकी वैल्यू को कितना कर दिया, 10. आउटपुट में क्या आएगा फिर, x इक्वल टू 20 एंड y इक्वल टू 10. क्यों, क्योंकि हम लोगों ने उसकी ओरिजिनल वैल्यू को मॉडिफाई कर दिया. एग्जाम्पल देखते हैं, मेन में आते हैं. सबसे पहले int x इक्वल टू 100. बिफोर फंक्शन कॉल x इक्वल टू कितना रहेगा हमारा, x की वैल्यू 100. ठीक है, नाउ चेंज एम्परसेंट x. ओके, नाउ वी आर पासिंग अ रेफरेंस इन फंक्शन. ओके, तो अब हम लोग कहाँ जाएंगे, अब हम लोग जाएंगे यहाँ पर void change int asterisk. नाउ अब
बिफोर एडिंग वैल्यू इनसाइड फंक्शन नम इक्वल टू, बिफोर एडिंग कितना था नम 100, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करा, एस्ट्रिक नम प्लस इक्वल टू 100, उसके एड्रेस पे जो वैल्यू थी उसको एक्सेस करा और उस वैल्यू में हम लोगों ने क्या करा 100 और ऐड कर दिया, ठीक है। तो अब हमारे उस नम की वैल्यू क्या हो गई, आफ्टर एडिंग वैल्यू इनसाइड फंक्शन नम इक्वल टू 200, राइट। ओके, तो अब हम लोग कहां जाएंगे, यहां पर, यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, आफ्टर फंक्शन कॉल एक्स इक्वल टू 200, ओके, क्योंकि हमारी जो ओरिजिनल वैल्यू है वो मॉडिफाई हो चुकी है। डिफरेंसेस देखते हैं कॉल बाय वैल्यू में और कॉल बाय रेफरेंस में। अब कॉपी ऑफ द वैल्यू इज पास्ड इनटू द फंक्शन। कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है, वैल्यू की एक कॉपी पास होती है हमारे फंक्शन में, ओके। कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है, वैल्यू का एड्रेस पास होता है फंक्शन में, ओके। सेकेंड, चेंजेस मेड इनसाइड द फंक्शन इज लिमिटेड टू द फंक्शन ओनली। जो भी चेंजेस हम लोग हमारे फंक्शन में करते हैं वो फंक्शन तक ही लिमिटेड होता है, ओके। द वैल्यू ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर्स डू नॉट चेंज बाय चेंजिंग द फॉर्मल पैरामीटर्स, ओके, हमारी वैल्यू चेंज नहीं होती। वेयर एज इन कॉल बाय रेफरेंस, चेंजेस मेड इनसाइड द फंक्शन वैलिडेट आउटसाइड ऑफ द फंक्शन ऑल्सो। उसमें क्या होते हैं, जो चेंजेस हम लोग हमारे फंक्शन में करते हैं वो वैलिडेट बाहर, जो हमारे फंक्शन के बाहर भी होते हैं, ओके। द वैल्यू ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर्स डू चेंज बाय चेंजिंग द फॉर्मल पैरामीटर्स। हमारे एक्चुअल पैरामीटर्स की वैल्यू चेंज होती है बाय चेंजिंग द फॉर्मल पैरामीटर्स। थर्ड, एक्चुअल एंड फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स आर क्रिएटेड एट डिफरेंट मेमोरी लोकेशन, ओके। एंड इन कॉल बाय रेफरेंस, एक्चुअल एंड फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स आर क्रिएटेड एट द सेम मेमोरी लोकेशन। So thank you so much for watching this video, and if you are new to Geek Wizard, please like, share and subscribe.